पीलीभीत में पुलिस की डायल सो गाड़ी से 10 साल के बच्चे की मौत के बाद गाड़ी में मौजूद एक मुस्लिम की भी इलाज के दौरान बरेली में मौत हो गई। वहीं एक पुलिसकर्मी भी आईसीयू में भर्ती है। ग्रामीणों के हंगामे के बाद भारी पुलिस फोर्स व सीओ गांव में कैंप किए हुए हैं और जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। फिलहाल ग्रामीणों ने दोबारा जाम लगाया था, जिसे आश्वासन के बाद अधिकारियों ने खुलवाया है और पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद का भी भरोसा दिलाया है। पीलीभीत में डायल सो पुलिसकर्मियों की लापरवाही से एक मासूम व एक अधेड़ की मौत हो गई। दरअसल डायल सो पीआरवी 2055 गाड़ी पर सूचना आई थी कि गांव सिकलापुर में पिता पुत्र के बीच झगड़ा हो गया है, जिसके बाद गाड़ी पर तैनात सिपाही धर्मेंद्र व लोक प्रकाश गांव पहुंचे और पिता 45 साल के किशन लाल व 18 वर्षीय बेटे सुंदरलाल को हिरासत में लेकर गाड़ी से थाने ला रहे थे। तभी गाँव के मकसूदपुर के पास डायल सो की यह गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके नीचे 10 साल का फरमान दब गया। ग्रामीणों ने सारे घायलों को निकाला, जिसमें फरमान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो सिपाहियों व दो मुस्लिमों को बरेली हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जिसमें किशन लाल की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं सिपाही धर्मेंद्र की हालत गंभीर है और आईसीयू में भर्ती है। घटना के बाद ग्रामीणों ने डायल सो गाड़ी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाकर पीलीभीत मझोला रोड दो बार जाम किया। अधिकारियों के काफी समझाने पर ग्रामीण माने हैं। फिलहाल गांव में फोर्स के साथ सीओ सिटी कैंप किए हुए हैं। घटना में मृत हुए लोगों को सरकारी आर्थिक मदद दिलाने की बात कह रही है, साथ ही मामले में जांच की जा रही है। क्या है पूरा मामला? ये सुबह सुबह दो मुलजिम पकड़ कर ला रहे थे सिकलापुर गांव से। सिकलापुर गांव थाना सुनवड़ी में पड़ता है। अच्छा। और ये लोग दारू पिए हुए थे पुलिस वाले, बहुत ज्यादा, और इतनी गाड़ी तेजी स्पीड में चल रही थी के बच्चा है एक आम बीनने का था, सुबह सुबह वो रोड किनारे आम बीन रहा था, उसको इन्होंने उड़ा दिया और फिर गाड़ी पलटी तो गांव वालों ने सब इनको निकाला है। ये बुरी हालत से गंभीर हुए हैं और लोग जिनको पकड़ के लाए मिलते हैं और पुलिस वाले दारू पिए हुए हैं। इनके खिलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। अगर इनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग धरने पर बैठ जाएंगे। अगर इनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी हमारी प्रशासन से यही होगी। बच्चे की उम्र नौ साल उम्र, इसलिए वो खत्म हो गया बच्चा ठीक। हाँ, की मौत हो गई है पीवीआर से। क्या है पूरा मामला? परिवार वाले दारू पी के चलाने का आरोप लगा। 55 पीआरबी गई थी, इवेंट पे गई थी और वापसी में जो है तो दो लोग को बैठा के आ रही थी तो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक राहगीर बच्चा था जिसकी उसकी मौत हो गई है। और हम लोग प्राथमिक उपचार केंद्र में ही हैं, उनका ट्रीटमेंट जो घायल है उनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है और परिवारिक जनों द्वारा जो भी मांग है उसकी बातचीत चल रही है, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।